भेड़िया राजकुमार। जूनागढ़ नामक राज्य में राजा भैरव सिंह का राज्य है। महारानी तारा भी एक योद्धा हैं। वह भी राज्य के लिए अपना पूरा योगदान देती हैं। हर रोज की तरह आज भी राजा ने जन सुनवाई के लिए दरबार लगाया। सब लोग दरबार में उपस्थित हो गए। महारानी तारा भी 8 साल के नन्हे राजकुमार के साथ दरबार में उपस्थित हुई। राजा, सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं रख सकते हैं। मंत्री, सभी एक एक करके अपनी परेशानी बताइए। तभी गांव के कुछ लोग एक साथ खड़े हुए और उनमें से एक व्यक्ति रतन बोला। रतन, महाराज, हम सभी की अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, बल्कि सभी की दो ही समस्याएं हैं। मंत्री, देखो हमारे पास इतना समय नहीं है, पहेलियां मत बुझाओ और जल्दी से अपनी बात रखो। रतन, क्षमा कीजिए, परंतु हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है और आधा पेट भूखा सोकर भी हमें भेड़िये का डर है। भेड़िया रोजाना किसी न किसी को मारता जा रहा है। मंत्री, हमने उस भेड़िये को पकड़ने के लिए अपने सैनिक लगाए हुए हैं, थोड़ा सब्र कीजिए। रोजाना एक व्यक्ति की जान जा रही है और तुम सब्र करने के लिए बोल रहे हो। नहीं महाराज, वह भेड़िया बहुत शातिर है और मुझे लगता है कि वह कोई जादुई भेड़िया है, क्योंकि गोली लगने के बाद भी वह जीवित है। ऐसा कैसे हो सकता है? मंत्री, महाराज, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। सभी नगरवासी इस बात के गवाह हैं। भेड़िये के घायल हो जाने के बाद भी वह अभी तक जिंदा है। तुम्हें जितने भी सिपाहियों की जरूरत हो ले सकते हो, लेकिन 2 दिन के अंदर मुझे वह भेड़िया चाहिए। मैं सभी के भोजन की व्यवस्था जल्दी ही कर दूंगा। सभी लोग एक उम्मीद के साथ वहां से लौट जाते हैं। महाराजा भैरव सिंह अपनी राजगद्दी पर चुपचाप बैठ गए। मैं भी राज्य की स्थिति से बहुत दुखी हूँ, लेकिन हमें इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। राजा, यूं ही सोचते रहने से कुछ नहीं होगा और जनता भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगी। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? जब से पड़ोसी राज्य के राजा ने हम पर हमला किया है, तब से सब खत्म होता जा रहा है। उसने सब कुछ लूट लिया। हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम पूरे नगर के लिए अनाज खरीद सके। महारानी, मैं गुरुदेव के पास मंदिर जा रही हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। महारानी तारा राजकुमार वैभव के साथ अपने महल के अंदर बने हुए मंदिर में गई। दोनों ने गुरुदेव को प्रणाम किया। महारानी, गुरुदेव, मैं बहुत चिंतित हूँ। गुरुदेव, जानता हूँ तुम्हारी इस चिंता का हल भी तुम्हारे पास है। महारानी, लेकिन कैसे? गुरुदेव, कुछ वर्ष पहले की घटना याद करो। तुम्हारे हाथ में यह अंगूठी कैसी है और कहां से मिली? कुछ वर्ष पहले हुई घटना को याद करके? महारानी, गुरुदेव, मुझे याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया, लेकिन क्या सच में ऐसा है? इतने वर्षों पहले का श्राप मुझे अब तक परेशान कर रहा है। गुरुदेव, मैं जानता हूँ सब कुछ तुमसे अनजाने में हुआ, लेकिन श्राप का असर तो पड़ता है। बाकी ईश्वर के अलावा कोई भी श्राप को दूर नहीं कर सकता। महारानी, गुरुदेव, मेरी यह अंगूठी पूरे राज्य को बर्बाद कर सकती है, लेकिन मैं इसे अपने हाथ से कैसे उतार सकती हूँ? गुरुदेव, महारानी, तुमको इस अंगूठी को हाथ से उतारना ही होगा। महारानी, इस अंगूठी में किसी की जान है, ये जानते हुए भी मैं यह खून कैसे कर सकती हूँ? गुरुदेव, महारानी, आपने स्वयं इस राज्य की भलाई के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। आपने ना जाने कितनी बार तलवार उठाई है। महारानी, तलवार उठाना और अंगूठी उतारने में काफी अंतर है। गुरुदेव, एक तरफ पूरा राज्य और एक तरफ एक व्यक्ति, अब आपकी इच्छा है, आप यहाँ किसको बचाना चाहती हो? महारानी तारा की आंखों में आंसू आ गए। महारानी ने वैभव का हाथ पकड़ा और अपने कक्ष की ओर जाने लगी। राजकुमार, माँ, आप रोजाना भूल जाती हो कि इस समय हम कहाँ जाते हैं। ओ हाँ, मुझे याद ही नहीं रहा। ठीक है, चलते हैं। महारानी ने 2 सिपाहियों से कहा। महारानी, भंडार गृह में जितना भी सामान उपस्थित है वह सारा रख लीजिए और औषधि भी रख लीजिए।
महारानी तारा आखिरी अनाज के बचे हुए दाने लेकर जनता के बीच पहुंच गई और सभी को थोड़ा थोड़ा दे दिया। नन्हे राजकुमार वैभव ने भी बीमारों को औषधि दी और कुछ लोगों के घावों पर राजकुमार ने अपने नन्हे हाथों से मरहम भी लगाया। यह देखकर सबकी आंखें भर आईं। जनता, महारानी जी, जैसा भी समय हो लेकिन इस समय भी आप हमारे साथ हो। खुद के लिए भी कुछ ना,